तो सबसे पहले कोई भी टेंडरिंग अथॉरिटी द्वारा एक टेंडर निकाला जाता है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज उस टेंडर के लिए अप्लाई करती हैं और किसी एक कंपनी को टेंडर मिल जाता है। तो सबसे पहले जैसे ही हमारा टेंडर पास हो जाता है और हमको वो अलॉट हो जाता है तो कंपनी के एक इंजीनियर जाते हैं साइट विजिट के लिए। तो जैसे आप देख पा रहे हो कि यहाँ साइट विजिट ऐसी टाइप की भी हो सकती है, साइट्स जहाँ पे आपको क्लीनिंग की ज़रूरत है, क्लीनिंग के साथ साथ वहाँ पे हो सकता है कि आपके पेड़ भी प्रेजेंट हो, ट्रीज। तो ये फेलिंग ट्रीज का एक क्लॉज होता है जिसमें फेलिंग ट्रीज मतलब उस पेड़ को काट के हटाना उस साइट से, तो उसी के बारे में इस पूरे वीडियो में हम जानेंगे। सब्सक्राइब करिए सिविल गुरुजी चैनल को लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का सिविल गुरुजी में, मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर किशन ओझा। आज आप लोगों को बताने वाला हूं कि साइट विजिट के दौरान साइट में हमारे पास कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारे पास साइट में ही उस साइट एरिया में ही पेड़ प्रेजेंट होते हैं, तो उस केस में हमको क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो जैसे ही टेंडरिंग अथॉरिटी से टेंडर पास होता है तो उनके क्लॉजेस में जब हम साइट विजिट करने जाते हैं तो वहाँ पे जो फेलिंग ट्रीज है या पेड़ जो काटना है हमको, उसके लिए कोई क्लॉज या उसके लिए कोई आपको पैसे नहीं दिए रहते हैं। बट अगर आपके साइट में अगर एक पेड़ फंस जाएगा तो उस केस में आप लोग क्या करेंगे। तो सबसे पहले हमको इस पेड़ को कटवाने के लिए तो पहले तो हमको परमिशन लेनी होगी जो भी टेंडरिंग अथॉरिटी है या ये साइट या ये जो पेड़ जिसके भी अथॉरिटी के अंडर में आता है उससे हमको परमिशन लेनी होगी। परमिशन आप कैसे ले सकते हैं, एक रिटन लेटर आपको प्रोवाइड करना होगा, उसके साथ उसमें आपको रिसीविंग लेटर लेना है। कभी भी जो डॉक्यूमेंट्स का वर्क करते हो आप लोग, जो काम ऐसा काम जो वर्क ऑर्डर में नहीं लिखा हुआ है उसको पहले करने से पहले हमको उस चीज़ की इंफॉर्मेशन टेंडरिंग अथॉरिटी को या किसी रिस्पॉन्सिबल पर्सन को देनी पड़ती है। तो सबसे पहले हमने एक लेटर लिखा कि हमारी जो साइट है वहाँ पे एक पेड़ आ रहा है, उस पेड़ को हमको कटवाना है, तो उस पेड़ को काटने के लिए आपकी परमिशन चाहिए जो भी अथॉरिटी होती है। फिर उस अथॉरिटी के द्वारा वो उसको पास किया जाता है, मैंने बताया रिटर्न में। रिटर्न में क्या होगा कि एक कॉपी आप लेंगे रिसीविंग लेटर वाली, या और दूसरा प्रोसेस ये होता है कि आप उनको मेल के थ्रू भी, क्योंकि आज के डेट में मेल भी सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स में से एक है, तो मेल भी करिए आप कि आपके साइट पे एक पेड़ फंस चुका है। तो एक प्रोसेस ये भी हुआ। दूसरा प्रोसेस ये कि जब आप साइट विजिट करने गए, जो टेंडरिंग अथॉरिटी है उनके पास जो इंजीनियर्स हैं उनके साथ आप साइट विजिट करने गए, तो क्या होता है कि सबसे पहले वो एक आपको टेम्पररी बेंचमार्क देंगे कि आपकी साइट यहाँ से यहाँ है। जैसे आप अपने खेत वगैरह में जब गांव वगैरह जाते होगे तो खेत वगैरह पे जाते होगे तो आपके दादा नाना लोग दिखाते होंगे ना कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक मेरी ज़मीन है। तो वो कैसे पता चलता है, क्योंकि उन्होंने अपने तरह से एक मार्किंग की हुई है। तो जैसे ही साइट में जाते हैं इंजीनियर्स तो जो टेंडरिंग अथॉरिटी के इंजीनियर्स होते हैं वो बताते हैं कि आपकी साइट यहाँ से लेके यहाँ तक है। वो लोकेशन क्या होता है कि कभी कभी वो लोकेशन इतना पैक्ड रहता है कि हम उसको शिफ्ट भी नहीं कर सकते। नहीं तो सबसे पहला तरीका तो यही है, अगर वहाँ पे पेड़ पौधे फंस रहे हैं तो वहाँ पे हम साइट लोकेशन चेंज करने की कोशिश करते हैं ताकि वहाँ पे हम उनको बचा सकें। बट कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमको पेड़ कटवाना ही पड़ जाता है, तो उस पेड़ को कटवाने से कैसे बचाएं, तो सबसे पहले साइट शिफ्ट कर सकते हैं हम। दूसरी चीज़ ये कि आपको ये भी बोला जा सकता है कि अगर आप एक पेड़ कटवा रहे हैं तो उसके उपक्ष में आपको और वहाँ पे पेड़ इन फ्यूचर लगाने होंगे ताकि वहाँ पे उसका जो भुगतान है वो आप पूरा कम्प्लीटली कर सकें। तो ये भी चीज़ें करते हैं। तो सबसे पहले साइट शिफ्ट कर सकते हो आप, या दूसरा आप परमिशन लेके उस पेड़ को कटवा सकते हो। अब तीसरी मेन प्रॉब्लम क्या होती है, जैसे आप पीछे मेरे पीछे देख पा रहे हो एक बरगद का पेड़ है जिसकी कुछ एस्थेटिक वैल्यूज़ होती है, कुछ मानते हैं लोग कि बरगद का पेड़ पीपल का पेड़ ये सब पेड़ नहीं कटवा सकते, तो इसमें भी आपके पास प्रॉब्लम्स बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट फेस होती हैं, क्योंकि हर कोई पीपल का पेड़ बरगद का पेड़ नहीं काट सकता, तो ये भी प्रॉब्लम आती है। इस प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है आपको। दूसरी चीज़, ये जो पेड़ कटवाते हैं आप, इस पेड़ में जो आपको कटवाना है ये नहीं कि आप सीधे उसके ब्रांचेस या उसको यहाँ से इस पोर्शन से काट दिए, उस पेड़ को पूरा आपको जड़ से उखाड़ना पड़ता है, क्योंकि आपको भी पता है कि बरगद का पेड़ हो तो नीचे में पूरे रूट्स जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, अगर वो मेरे फुटिंग तक के पहुँच गए तो हो सकता है कि मेरे फुटिंग को क्रैक कर सकते हैं। तो इसलिए कोई भी ट्री इसको हम लोगों को कटवाना हो तो हमको उसको पूरे जड़ से उखड़वाना पड़ेगा। और जी हाँ, अगर आप ये करवाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको गवर्नमेंट अलग से पैसे देती है, जिसके लिए अलग से क्लॉज भी है, इसको बोला जाता है फेलिंग ट्रीज। तो ये फेलिंग ट्रीज में ये होता है कि जो भी पेड़ कट रहा है उसके ब्रांचेस और उसके पूरे अपरूटिंग तक का, उसका पूरा पैसा आपको गवर्नमेंट देती है। बट
आप उस पेड़ को काटने के बाद अपना पर्सनल यूज़ नहीं कर सकते, कोई भी उस पेड़ को जाके उठा के लेके नहीं जा सकता, वो डायरेक्टली गवर्नमेंट अथॉरिटी के अंडर ही जाएगा। तो ये चीज़ भी हमको ध्यान रखना है कि पेड़ कटवाने के बाद हमको उसको एक जगह स्टैक करना है ताकि जो टेंडरिंग अथॉरिटीज़ हैं या जो गवर्नमेंट पीपल्स हैं वो उसको ले जाके कहीं पे स्टैक कर सकें। और बिल्कुल इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि अगर आप एक पेड़ कटवा रहे हैं तो उसके पीछे आपको 5 पेड़ लगाने पड़ सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्लॉजेस के बारे में। सबसे पहले आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे एक बरगद का पेड़ है, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले इसको काउंट करने के लिए कि पैसा हमको लेना कैसे है, तो हम लोग ग्राउंड लेवल से 1 मीटर जाते हैं। 1 मीटर जाने के बाद उसका गर्थ देखते हैं। गर्थ मतलब सरकमफेरेंस, नॉट द डायामीटर। हम उसका गर्थ देखते हैं, तो अगर 30 सेंटीमीटर तक का गर्थ होता है कोई भी पेड़ का तो हम उसको क्लियरिंग जंगल वाले ही क्लॉज में ले लेते हैं। बट अगर 30 सेंटीमीटर से ज़्यादा हुआ उसका गर्थ, आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे, जो उसका पूरा सरकमफेरेंस है, जितनी मोटाई होगी उस पेड़ की, उस पेड़ के उस मोटाई के अकॉर्डिंगली आपको पैसे मिलेंगे गवर्नमेंट के थ्रू, SOR के थ्रू। तो उसमें सबसे पहला क्लॉज यही था कि 30 सेंटीमीटर से कम हुआ तो वो आपके वो क्लियरिंग जंगल सरफेस ड्रेसिंग में ही इंक्लूड हो जाएगा, बट अगर 30 सेंटीमीटर से ज़्यादा होता है तो आपको उसको फेलिंग ट्रीज़ के अंडर कंसीडर करना होगा। तो ट्रीज़ की गर्थ की बात करें तो कैसे कैसे आपको पैसा मिल सकता है, तो अगर 30 सेंटीमीटर से 60 सेंटीमीटर का गर्थ हो तो उसके लिए अलग क्लॉज है, 60 सेंटीमीटर से 120 सेंटीमीटर के लिए अलग क्लॉज, देन 120 सेंटीमीटर से 240 सेंटीमीटर के लिए भी अलग क्लॉज, और 240 सेंटीमीटर से गर्थ अगर ट्रीज़ का ज़्यादा होता है तो उसके लिए भी अलग क्लॉज होता है। तो चलिए देखते हैं कि इसका रेट एनालिसिस और इसका रेट जो है हम कैसे पिच करेंगे और कैसे इसके रेट को क्लेम करेंगे। फेलिंग ट्रीज ऑन द गर्थ मेजर्ड एट अ हाइट ऑफ 1 मीटर अबव ग्राउंड लेवल इंक्लूडिंग कटिंग ऑफ ट्रंक्स एंड ब्रांचेस, रिमूविंग द रूट्स एंड स्टैकिंग ऑफ सर्विसेबल मटीरियल एंड डिस्पोजल ऑफ अनसर्विसेबल मटीरियल। इसका मतलब हम लोग जो है यहाँ ट्रीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, उनको कट डाउन करने की बात कर रहे हैं, जिसमें आपका जो पैसा है वो इंक्लूडेड रहता है, जितने भी आपके ब्रांचेस रहते हैं उसमें। अब यहाँ पे हम लोग का जो भी सर्विसेबल मटीरियल मतलब जो ट्री रहेगा वो तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का होगा या जो भी डिपार्टमेंट का आप काम कर रहे होंगे, उसका पैसा आपको नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा उसको काटने का पैसा। अब यहाँ जो गर्थ की बात कर रहे हैं हम लोग, गर्थ मतलब जो उसका पूरा पैरीमीटर है, जो उसका पूरा पेरिफेरल एरिया है उसकी बात कर रहे हैं, और यहाँ पे जितना भी आपका गर्थ है, यहाँ हम लोग बात करने वाले हैं बियॉन्ड 30 सेंटीमीटर गर्थ अप टू एंड इंक्लूडिंग 60 सेंटीमीटर गर्थ। मतलब अगर आपके ट्री का गर्थ जो है उसका पूरा पैरीमीटर अगर वो 30 सेंटीमीटर से ज़्यादा होगा और 60 सेंटीमीटर से कम होगा, मतलब यहाँ पे 30 सेंटीमीटर का पैसा नहीं मिलेगा, 31 सेंटीमीटर से मिलेगा, और यहाँ 60 सेंटीमीटर तक का ही पैसा मिलेगा आपको जिसकी गर्थ आपकी इस रेंज में आती है। अब यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रीज जो है मैं बात कर रहा हूँ, जैसे एक ट्री है, अब इसके अकॉर्डिंगली क्या हो सकता है कि 2 या 3 ट्रीज भी हो सकती हैं, तो यहाँ अपन एक ट्री के बारे में बात कर रहे हैं। अब डिटेल्स ऑफ कॉस्ट फॉर 1 ट्री ऑफ 15 सेंटीमीटर डाया एंड एवरेज हाइट 3 मीटर, यहाँ पे हम लोग जो ट्री की हाइट की बात कर रहे हैं वो 3 मीटर बात कर रहे हैं, और जो ट्री का डाया है, अब देखिए गर्थ और डाया में हमको कंफ्यूज नहीं होना है, गर्थ मतलब उसका पूरा पेरीमीटर, डायामीटर मतलब कितना चौड़ा है वो, उसका इंटरनल डायामीटर कितना है। जस्ट हम एक टेप लेते हैं और एक एंड से दूसरे एंड तक के अगर उसको नाप लूँ तो मेरे को उसका डाया मिल जाएगा, और अगर मैं एक एंड से पकड़ के पूरा टेप को गोल घुमा के उस एंड पे ले जाऊं तो उसका मेरे को सरकमफेरेंस मिलेगा, ठीक है। तो डायामीटर की बात करें तो आप जस्ट एक एंड से दूसरे एंड जो मेजर करेंगे वो आपका डाया होगा। अब डायामीटर ऑफ ट्री जैसे मैंने आपको बताया कि 15 सेंटीमीटर है, इसको मैं कैलकुलेशन के लिए आपका mm मीटर में रख लेता हूं, सपोज तो हो जाएगा आप 0.15। फिर हाइट ऑफ ट्री की अगर बात करें तो हाइट ऑफ ट्री आपकी कितनी है, 3 मीटर, इसको भी हम असाइन कर दिए। अब यहाँ मेरे को जो लेबर की क्वांटिटी निकालना है उससे पहले मेरे को क्वांटिटी ऑफ वुड निकालना होगा, तो क्वांटिटी ऑफ वुड निकालने के लिए अगर मैं डाया की बात कर रहा हूँ तो जस्ट मेरे पास एक ही फॉर्मूला है, यहाँ पे पाई बाय 4 डी स्क्वायर एच, तो पाई बाय 4 हो जाएगा आपका 3.14 डिवाइडेड बाय 4, ये हो गया पाई बाय 4। अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग जो आपका डाया है 2 बार, क्योंकि डी स्क्वायर कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, फिर इसमें हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे आपके 3 का, तो इसको एंटर कर देंगे तो मेरे को मिल जाएगी वैल्यू 0.053। अब इसमें मेरे को 20% ब्रांचेस के लिए भी ऐड करना पड़ता है, तो 20% कैसे होगा इसका, आपका 20%
वो निकाल लेंगे हम लोग और एंटर कर देंगे। अब ये जो वैल्यू मिली, अब इसका मैं टोटल निकाल लेता हूँ, दिस वैल्यू प्लस दिस वैल्यू, तो यहाँ से मेरे को टोटल मिल गया कि मेरा डाया के अकॉर्डिंगली जो क्वांटिटी है वुड की वो कितनी है। इसकी यूनिट हो जाएगी आपकी क्यूबिक मीटर, क्योंकि मैं वॉल्यूम निकाला हूँ, ठीक है। यहाँ पे इसकी जो यूनिट रखा है मैंने मीटर में रखा है, और इसकी भी जो यूनिट रखा है मैंने मीटर में रखा है, तो इसके अकॉर्डिंगली मेरी जो यूनिट निकल के आई वो क्यूबिक मीटर निकल के आ गई। अब लेबर्स की बात करते हैं। लेबर फॉर कटिंग इन ट्रीज, रिमूविंग द रूट्स फ्रॉम द सॉइल एंड देन फिलिंग इन पिट एंड डिप्रेशंस। तो जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे जो मेरे को लेबर्स लगेंगे वो लगेगा आपका बेलदार, कुली और सेंड्रीज, मतलब जो भी अनइम्पॉर्टेंट वर्क, जो एक्स्ट्रा वर्क हमने करवाया उसका जो एक्स्ट्रा पैसा हमको मिलेगा। तो बेलदार की अगर इफिशियंसी की बात करें तो आपके बेलदार की इफिशियंसी होती है 0.33। यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे किसका, यहाँ पे हम क्वांटिटीज का मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, यहाँ नंबर ऑफ ट्रीज की बात करेंगे, क्योंकि हमको नंबर ऑफ ट्रीज के अकॉर्डिंगली उसकी एफिशिएंसी देखनी है। वैसे ही कुली के लिए जो आपकी एफिशिएंसी होती है वो होती है 0.17, इसका भी हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से और एंटर कर देंगे। अब सेंड्रीज की बात करें तो वो होगा आपका 2.73, इसका भी मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग नंबर ऑफ ट्रीज से और एंटर कर देंगे। अब अगर इसके यूनिट की बात करें तो इन लोग पर डे में काम करते हैं, तो यहाँ पे हम पर डे कर देंगे, इसके लिए भी आपका पर डे, और सेंड्रीज के लिए जो आपकी यूनिट होती है वो LS लम सम अमाउंट होता है। जैसे मैंने बताया आपको एक क्वांटिटी ऑफ वुड जो है उसका पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि ये आपके गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, इसका पैसा आपको नहीं मिलेगा, ये गवर्नमेंट खुद रखेगी। आपको जो लेबर आपने लगाया है उसका पैसा मिलेगा। तो सबसे पहले देखते हैं बेलदार का जो पैसा है अपने को कितना मिलेगा, वो मिलेगा 558। तो ये रेट शीट है मेरी, मैंने इसको कर दिया। अब वैसे ही आपका जो कुली है उसका भी रेट आपको 558, और सेंड्रीज के लिए जो आपको मिलेगा वो 2 रुपये मिलेगा। तो यहाँ मैंने सबका रेट डिसाइड कर दिया। अब इसका अमाउंट की बात करें तो क्वांटिटी इंटू रेट मैं करूँगा, तो मेरा एंटर कर दूंगा, तो यहाँ से मेरी टोटल वैल्यू मिल जाएगी। इसको मैं ड्रैग कर दूंगा, टोटल के लिए जस्ट मेरे को क्या करना है, दिस वैल्यू प्लस दिस वैल्यू प्लस दिस वैल्यू। आपको इस क्वांटिटी का पैसा नहीं मिलेगा, इस बात का ध्यान रखना है। अब इसमें हम 1% आपका वाटर चार्ज ऐड कर देंगे, तो हम यहां से इसको 1% कर दिए और एंटर कर दिए। अब टोटल की बात करें तो दिस वैल्यू प्लस दिस वैल्यू, वैसे ही अब इस वैल्यू में आपका 15% कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट ऐड होगा, तो 15% हम कर दिए, 15% करेंगे और फिर एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद आपका जो टोटल वैल्यू आएगा वो आएगा 330.40। ये आपके एक ट्री के लिए आपको कॉस्ट मिलने वाला है 330 रुपीज। अब वैसे ही अब नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि जैसे मैंने गर्थ की बात की थी 30 सेंटीमीटर से 60 सेंटीमीटर, तो ये अलग अलग लेबर की अलग अलग इफिशियंसी है जिसको आप यूज कर सकते हैं। अगर आपका गर्थ 60 सेंटीमीटर से 120 सेंटीमीटर तक है, फिर 120 से 240 और 240 के अबव में क्या क्या इफिशियंसीज होती हैं, जस्ट यहां से आप उसको यूज करके यहां पे वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग को पता चला कि फेलिंग ट्रीज, ट्रीज कटिंग का कितना पैसा हमको मिलता है रेट एनालिसिस के थ्रू। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा कि हमारे साइट पे एक पेड़ फंस रहा था, तो नंबर ऑफ़ ट्रीज़ के अकॉर्डिंगली हम उसका क्लेम कर सकते हैं। जैसे कि रेट एनालिसिस मैंने इस वीडियो में बताया, सेम वैसे ही करते हैं। ब्रांचेस का पैसा आपको अलग से नहीं मिलता है, तो इस तरह से ही रेट एनालिसिस की जाती है। और इसके लिए जो एक्स्ट्रा क्लेम आपको करना है वो आप उसको रिटर्न फॉर्मेट में या मेल के फॉर्मेट में आप टेंडरिंग अथॉरिटी के पास सबमिट करेंगे। जब वो अप्रूव होगा तभी आप इस पेड़ को कटवाएंगे। कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा कि पेड़ को जितना जल्दी अगर शिफ्ट करा जा सके साइट को, तो शिफ्ट कर दीजिए। और बिल्कुल अगर पेड़ काटने की सिचुएशन आती है तो उस कंडीशन में 10 पेड़ और लगाइए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का इस वीडियो को देखने के लिए। अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करना ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप सभी को मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए।